हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चाला वन। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके ईवीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, लाल चींटी किस राज्य में प्रसिद्ध है? ठीक है, लाल चींटी किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर जाएगा क्या, छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक, छत्तीसगढ़ जो है वो लाल चींटी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है अलग अलग शिफ्टों में। ठीक है, तो आगे भी आने की पूरी पूरी चांसेस हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका क्वेश्चन नंबर टू। ठीक, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर जाएगा क्या, फॉर्मिक अम्ल। जैसे मधुमक्खी हो गई, ठीक है, चींटी हो गई, यहाँ पर एक चीज़ और देखेगा, ठीक, चींटी, तो ये जो है ना फ्रेंड्स, इन दोनों में क्या पाया जाता है, ये इनको काटने के बाद आपको क्या होती है, चुनचुनाहट सी होती है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर जाएगा क्या, फॉर्मिक अम्ल के साथ जाएगा। जब ये काटते हैं तो क्या, कौन सा एसिड छोड़ते हैं, फॉर्मिक एसिड छोड़ते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा, ठीक, कहवा, कहवा कहा जाता है। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ जब आप टूरिस्ट वगैरह पे जाएंगे ऐसे घूमने घाम में, तो आपको वहाँ पर जो है ये वर्ड सुनने को मिलेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आपके सीटेट एग्ज़ाम, क्योंकि सीटेट में आपको सभी को पता है कि पेड़ पौधों से जो है वृक्ष से एक क्वेश्चन जरूर, दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो घटपर्णी पौधा है, इसे क्या बोलते हैं, नेपेंथीस, नेपेंथीस का ये पौधा है, नेपेंथीस, नेपेंथीस का पौधा जो है घटपर्णी शिकारी पौधा या पिक्चर प्लांट भी इसे क्या कहते हैं, कहते हैं पिक्चर प्लांट भी, जो कीट और मेढक को क्या करता है, फंसाकर खा जाता है। ठीक, तो फ्रेंड्स क्यों खा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी, इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन की क्या होती, कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है ये कीट, कीट है, पक्षी है, ठीक है, और ये सारे जो हैं जीवों को क्या करता है, निगल लेता है। जैसे चूहे हो गए, रैट हो गए, ये सारी चीज़ें, मेढक हो गए, कीट हो गए, तो छोटी छोटी जो चीज़, क्योंकि एक प्रकार की क्या छोड़ता है, स्मेल छोड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो होते हैं ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब ये अट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये क्या करता है, खा लेता है। इसका आकार ऐसा कुछ होता है मटके के जैसा। ठीक है, अब ये चीज़ ऊपर की क्या होती है, खुली होती है, तो क्या करता है, यहीं पे क्या करता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये पाया कहाँ जाता है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको नेपेंथीस के बारे में, मैंने पेड़ पौधों के बारे में पूरी वीडियो बना रखी है, तो उसमें सारे मैंने पेड़ ही पेड़ जितने इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं आपके, वो सारे वहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। अब पूर्वी राज्य कौन सा है, देखिए इसमें जितने भी राज्य सारे ही पूर्वी हैं, बट इसमें से आप कहाँ पर ये आपको मिलेगा, मेघालय में मिलेगा। ठीक, आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, मेघालय में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी इंडिया में मेघालय में, और बाहर आपके कहाँ, इंडोनेशिया में ये पाया जाता है। ठीक, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में आपको ये देखने को मिलेगा, कौन सा, नेपेंथीस, जो पिक्चर प्लांट है, इसको पिक्चर प्लांट और शिकारी पौधा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है? ठीक, मैंने आपको बताया था कौन सी लकड़ी जो है वो कीट से प्रभावित नहीं होती, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या जाएगा, खेजड़ी। ठीक, खेजड़ी का जो वृक्ष है कहाँ पाया जाता है, आपका राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में पाया जाता है। ठीक, और जो इस पेड़ की लकड़ी है, वहाँ राजस्थान के जो लोग होते हैं वो घरों में क्या करते हैं, जो हट टाइप का जो बनाते हैं, जो इसको बोलते हैं छप्पर। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, छत बनाने में, घर की जो मिट्टी के घर होते हैं उनकी छत बनाने में इस लकड़ी का यूज़ करते हैं, क्योंकि इस क्या होता है, इस लकड़ी में क्या होता है, कीड़ा नहीं लगता, जबकि कीड़ा नहीं लगेगा तो क्या करेगी, लकड़ी सालों साल चलेगी। ठीक, और खेजड़ी के जो फूल होते हैं, क्या उससे क्या बोलते हैं कि छाल से भी क्या होती है, दवाई भी बनती है, और इसकी जो लकड़ी होती है इसमें क्या होता है, कीड़ा नहीं लगता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य किस में, निम्नलिखित में से किस राज्य में
ठीक है, संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है आपका कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आपका क्या है, आंध्र प्रदेश। मैंने जो है फ्रेंड्स आपके शॉर्ट्स में और आपके वीडियो में, शॉर्ट वीडियो 2 या 3 मिनट की, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़, जनजातियाँ हो गई, आपकी ट्राइब्स हो गई और आपके डांस हो गया, ये सारी वीडियोज़ मैंने बहुत छोटी छोटी सी आपकी रिविजन, ठीक है, टू द पॉइंट मैंने वीडियो वहाँ पर डाल रखी है वन शॉट के नाम से। आप वहाँ पर जा करके मेरी प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से रिविजन रहेगा। सारे नृत्य भी हैं, क्लासिकल डांस, फोक डांस, हम वहाँ से देख। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्या, आंध्र प्रदेश। अब अगला देखते हैं, और असम का जो एक चीज़ और है, असम का भी हमेशा पूछा जाता है, ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, बिहू। और इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, आंध्र प्रदेश। तो असम में क्या होता है, बिहू। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मैदानी इलाकों में गाँव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। मैदानी इलाकों में क्या चलता है फ्रेंड्स, ठीक, क्या चलता है, बैलगाड़ी, ठीक, बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं बच्चे, सी हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा सी के साथ। और ट्रॉली वगैरह जो आपका जम्मू वगैरह में देखने को मिलेगी, जो तार के ऊपर से जाती है, ठीक है, तार ऊपर ऊपर से, ऊँट गाड़ी आपको यहाँ नहीं मिलेगी। बल्लम जो है, ये बल्लम जो है आपको कहाँ पर मिलेगा आपका, असम वगैरह में बल्लम देखने को मिलेगा। चलिए अलग देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है, ठीक, किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर क्या करना है आपको बताना है कि किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है। सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपसे, आप आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।